सुपरस्टार शाहरुख खान फिलहाल जवान को लेकर लगातार चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। जवान हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रही है। फिल्म ने दुनिया भर में 700 करोड़ के करीब कारोबार कर लिया है। पठान, गदर 2 और बाहुबली को भी कई मामलों में जवान ने मात दे दी है। शाहरुख खान का जादू एक बार फिर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसी बीच किंग खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रही वीडियो में शाहरुख खान से कुछ सवाल किए जाते हैं जिनका जवाब पठान अपनी कमियां गिनाते हुए देते नजर आए। दरअसल शाहरुख से हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने को लेकर सवाल किया गया। उनसे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर उनके प्लान पूछे गए, जिस पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अगर मुझे किसी बेवकूफ शख्स का किरदार दिया जाए जिसे इंग्लिश अच्छे से ना आती हो तो शायद मैं वो कर लूँ। शाहरुख खान ने मुस्कुराते हुए अपनी बात को पूरा करते हुए आगे कहा, मैं 42 साल का हूँ, मैं थोड़ा सांवला भी हूँ। बतौर एक्टर मेरे पास कोई खास USP भी नहीं है। मेरे पास एक्टर होने के नाते कोई खासियत ही नहीं है। मुझे कुंग फू नहीं आता, मैं लैटिन और साल्सा डांस भी नहीं जानता। मैं कुछ खास लंबा भी नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरी उम्र का कोई जो डिसेंट फिल्म करता है, मुझे नहीं लगता ड्रीम फैक्ट्री हॉलीवुड में मेरे लिए जगह है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इतना टैलेंटेड हूँ। मैं भारत में आके काम करना चाहूँगा। मैं इंडियन सिनेमा को दुनिया तक ले जाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। आपको बता दें, शाहरुख खान के इस जवाब ने उनके चाहने वालों का दिल फिर से जीत लिया है। शाहरुख भारत के फैंस के दिलों में ही बसते हैं और शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बड़ी भी है। वह सुपरस्टार के न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी लाखों चाहने वाले हैं। पठान के बाद अब जवान के साथ शाहरुख को ब्लॉकबस्टर पॉपुलैरिटी भी मिल रही है और फैंस उनकी इस मूवी के पीछे क्रेजी होकर जा रहे हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार करोड़ों का कारोबार भी किए जा रही है। 7 सितंबर को ये मूवी रिलीज हुई थी, जो कि इटली कुमार के डायरेक्शन में बनी है। और साथ ही इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन दिखाई गई है उसमें देश के कई सारे सीरियस टॉपिक्स को उठाया गया है, जिसे देखकर फैंस काफी रिलेट कर रहे हैं। ट्रेंडिंग बॉलीवुड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।